गोलू के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी रेसिपी और वो है मूंग की भेल। मूंग की भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल मूंग लिए हैं जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे और मूंग को मैंने हल्का सा बॉईल भी कर लिया है, इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे बॉईल की गई मूंग। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब ये पक गए हैं, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 1 से 2 मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल की गई मूंगफली, आधा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, थोड़े से अनारदाने डालेंगे, थोड़ी सी बेसन की बनी सेव डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे। ये सब डालते समय हम गैस की फ्लेम को बंद ही रखेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी हेल्दी भेल बनकर तैयार है। अब हम इसे परोसेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है चटपटी सी मूंग भेल।